इंडियन उपाय में आप सभी का स्वागत है। नई वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। यह बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ पर हेल्थ, ब्यूटी आदि के बारे में रोजाना वीडियो लाते रहते हैं। सौंफ का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। इसका मुख्य इस्तेमाल मसालों के तौर पर किया जाता है। सौंफ खाने से ठंडक मिलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। सौंफ में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए सौंफ के कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं। सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। सौंफ को अच्छी तरह पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासों का आना कम हो जाता है और साथ ही स्किन टोन भी रिंकल फ्री भी हो जाता है। खाना खाने के बाद सौंफ खाने से खाना अच्छी तरह से पचता है और जो मुंह से बदबू आती है वह भी दूर हो जाती है। गर्मी या सर्दी या किसी भी समय जी घबराता हो या बार बार उल्टी आती हो तो सौंफ और पुदीना दोनों को 2 कप पानी लेकर उबालें। आधा पानी रह जाने पर छान कर पी लें। दिन में 3 बार ऐसा करने से सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जिसे ज़्यादा नींद आती हो और हर समय सुस्ती रहती हो तो आप थोड़ी सी सौंफ को थोड़े से पानी में उबाल लें। जब थोड़ा सा पानी इसमें बच जाए तब थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे पी लें। इसके सेवन से शरीर में सुस्ती दूर हो जाएगी और शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बन जाएगा। सौंफ और चीनी को समान मात्रा में मिलाकर चबाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। सौंफ खाने से गर्मी की फुंसियाँ भी खत्म हो जाती हैं। 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच मिश्री पीस कर पानी में घोल कर पीने से गर्मी के मौसम में होने वाली फुंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा सवाल है या किसी दूसरे टॉपिक पर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम जल्दी से जल्दी आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे।